मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी। जागरण के लिए सारी रात दे दी, जागरण के लिए सारी रात दे दी। मेरी मैया ने कैसी सौगात दे दी, मेरी मैया जो आए हैं दोनों हाथ दिखा करके ताली के साथ कर लो जागरण भैया का, कर लो जागरण का। अच्छा
रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता मुझे पामा गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना सुनने वाली बात है गलत बातों को खामोशी से सुनना और हामी भर लेना बहुत है फायदे इसमें मगर अच्छा नहीं कम है और एक ही कैमरा की बात हुई है ये भी जला डालो ये शब्द जो है वो बहुत गहरे शब्द है ये क्यों बाकी रहे आतिश जलो ये भी जला डालो ये सब बेघर हो और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता मुझे पामा रस्तों का सफर अच्छा नहीं लगता माँ विष्णु देवी के दरबार माँ छठे वाली के दरबार माँ कालिका के दरबार माँ ज्वाला जी के दरबार जाता है एक बात मुझे बताइए सबसे बड़ा सुख इंसान के लिए क्या है सबसे बड़ा सुख इंसान के लिए क्या है सबसे बड़ा सुख इंसान के लिए उसका अपना परिवार है जिसके लिए वो दिन रात एक करके कमाता है अपना घर चलाता है वो माँ के दर जाता है और कहता है मैंने अपने घर में मैया मंदिर तेरा बनाया ठीक है तेरी सेवा में अपना सारा परिवार लगाया मैया जी सदा मेरे घर में बसना करना ये उपकार सुखी रखना परिवार मैया जी सुखी रखना परिवार बोली सच्चे दरबार की तेरे भरोसे है अब मेरा परिवार तू चाहे तो मार दे तू चाहे तो तार दे सब तेरे हाथ में है ऐसा कौन कौन मांगते हैं ना हम जाते हैं तो सबसे पहले प्रभु हे माँ मेरा परिवार सलामत रहे मैं खुद जाता हूँ माँ की दर पे तो मैं भी यही मांगता हूँ क्योंकि दौलत तो आनी जानी है कहते हैं अगर वृक्ष ठीक है तो फल फिर लग जाएंगे अगर वृक्ष को ही जड़ से काट दिया तो कहां से फल पाएंगे अगर हम सलामत है तो धन तो यूं आएगा पीछे पीछे लेकिन परिवार एक बार चला गया तो वो नहीं आता वो सच्चे दरबार की
मैंने अपने घर में मैया मंदिर तेरा बनाया। मैं इस भजन को तभी गाऊंगा जब आप उसका एक एक शब्द सुनेंगे, क्योंकि शब्द एक एक तारीफ में गौर है। बहुत ही सुलझे हुए राइटर ने लिखा है एक एक शब्द अपनी जीवनी के ऊपर। एक बार दोनों हंसी थी। देखिए एक बार फिर आपको बताता हूँ, अभी नरेश उस्मत जी इस भजन को गा रहे थे, कहते हैं जो माँ की शरण में लगे हो उन्हें ना वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगता, जब माँ का नाम होता तो जैसे भी ये गा रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है इसके बीच में ऐसा भी होना चाहिए। ये लगन ही तो है और मन की एक आत्मा उस परमात्मा से जब मिलती है, जब हमारी आत्मा किसी से मिलेगी, अकेली आत्मा से कुछ नहीं होता, क्योंकि माँ से सब हार जाते हैं। जो लोग कहते हैं माँ से कोई नहीं हारता, माँ से सब हारते हैं, क्योंकि जब इन्होंने माँ शब्द कहा ना ऐसा लगा कि साक्षात माँ आ चुकी है, हम उसे देख नहीं पा रहे। जग से हारा नहीं आइए सुनते हैं नरेश उस्मत जी को। एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हुआ, मेरे मेरे साथ हो तो उसे कोई दुख नहीं। बोल सच्चे दरबार की जय। मां नहीं कहती मुझे तुम्हारा चांदी का छतरी चाहिए, मां नहीं कहती मुझे तुम्हारे महंगे महंगे हार चाहिए, नारियल चाहिए, जटाओं वाला चाहिए, मां नहीं कहती कुछ। मां कहती है मेरे दरबार पे आ जा। अरे ये सब मैंने तो बनाया, मेरी बनाई हुई चीजों को मुझे चढ़ा रहे। अगर चढ़ाने हैं तो अपनी श्रद्धा के पुष्प चढ़ाओ, उसके चरणों को ध्यान में ला करके और अपने भाव से हीरे मोती उसके चरणों में चढ़ो। जितना भी अब तक तुमने कमाया है वो सब उसके कदमों में चढ़ा दीजिए, देखिए कैसे आपको उन्नति वृद्धि चल जाएगी। वो सच्चे दरबार की जय। आपको यकीन नहीं होगा आज मेरी एज 34 इयर्स की है, मैं 34 साल का हूँ, मगर मुझे जल्दी से कोई देख करके बताता नहीं है, ये मेरी माँ की कृपा है मुझको और सच्चे दरबार की जय। क्योंकि कुछ लोग समझदार लोग कहते हैं कि कलाकार कभी बुढ़ा नहीं होता। ये भैया बैठे हमारे 80 साल के नहीं 50 साल, लेकिन विश्वास है कि 80 साल में भी मैं ऐसा लगूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, ऐसे ही लगोगे, ये सच्चाई है। क्योंकि हम लोगों की एक्सरसाइज जो होती है ना वो यहाँ होती है, स्थिर हमारे लंग्स काम करते हैं यहाँ पे ज़्यादा, हमें रेस लगाने की जरूरत नहीं कि हमारी रेस में अपने बाहर लगवा देती है अपने चल। आइए क्या बात है, रेस बनाया मैंने अपने
आज्ञाकारी होना चाहिए। अगर मम्मी ने बुलाया, पापा ने बुलाया, तो बेटा कहे मां बाबूजी मैं आया। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, क्योंकि कलयुग चल रहा है। कलयुग की बातें कलयुग जाने, बच्चा 10-15 साल का हुआ नहीं, अपने माँ बापों से बहस करने लगा था, अरे आपको कुछ नहीं पता। माँ कह रही है बेटे से, बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, जरा केमिस्ट से जाकर के, दवाई की शॉप से जाकर के मेरे लिए एक गोली तो ला दो। उस बेटे के लिए मैं कहता हूं कि माँ की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है, माँ की दवा का खर्च बेटे को मजबूरी लगता है, क्योंकि बाहर जाकर दोस्तों के साथ सिगरेट पीना उसे जरूरी लगता है। ये सच्चाई वाली बातें ये हम समझते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि अपने माँ बापों की सेवा कीजिए जितना हो सकता है, क्योंकि माँ बाप ही हमको बताते हैं कि ये माता है, माँ झंडे वाली है, वो गणपति महाराज है, वो हनुमान जी है, वो शंकर भगवान जी है। माँ बताती है, पिता को तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि बाप वो एक वट वृक्ष है जिसकी छांव तले पूरा परिवार पलता है। अगर बाप नहीं कमाएगा तो कहां से माँ चूल्हा जलाएगा। माँ सिखाती है, बाप सिखाता है, दोनों की बराबर की भूमिका है। तो बाप कह रहा है क्या, शील शर्म हो बेटी में, बेटा आ क्या कारी, ओ भैया जी बेटा आ क्या कारी, ओ भैया जी बेटा आ पत्नी मेरी हितकारी, ओ
की रहे, माँ से मन को अरदास कर रहे हैं। जरा दोनों हाथ दिखाओ मैया को और मैया से कहो कि माँ हमारा परिवार सुखी रखना, क्योंकि हमारी मैया की खदीजा तुम हो, तुम्हारे हाथ में पतवार है। तू चाहे तो तार, तू चाहे तो मार, तेरे हाथ में सारी बात है। वो सच्चे दरबार की दोनों हाथ दिखा करके सुखी रखना परिवार मैया जी मेरा, सुखी रखना परिवार तो अपनी हाजिरी भी लग रही है।
दोनों हाथ दिखाओ मेरे को सीधे, क्या बात है, ताली के साथ। सुखी रखना परिवार मेरा, शक्ति। आज हम आध्यात्मिकता के रास्ते अपनी संस्कृति को कुछ न कुछ याद करने के लिए यहाँ आए हैं। अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा माध्यम मंदिर और ये आध्यात्मिक आयोजन है। मैं टीम को बधाई देता हूँ, इन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया और इतने लोगों में पुरानी संस्कृति की कुछ न कुछ यादें ताजा की। मैं आपके सामने एक 5 मिनट के लिए एक विषय रखने जा रहा हूँ जो समाज सेवा से जुड़ा हुआ है, समाज के हित के लिए जुड़ा हुआ है। हमारी मैं एक संस्था से आया हूँ, उसका नाम है द दिल्ली देहदान समिति। ये दिल्ली में 21 वर्षों से काम कर रही है। 1997 में प्रारंभ हुई और आज 2019 हो गया। इस संस्था का काम है समाज के हित के लिए देहदान करवाना, लोगों को प्रेरित करना, लोगों को बताना, अंग दान करवाना और आंखें दान करवाना, नेत्र दान करवाना। डॉक्टर हर्षवर्धन जो आज मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री, और एक अलोक कुमार जी जो विश्व मिशन के अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष है, अंदर इन दोनों ने अमृतसर लेकिन बंधुओं आज भी बहुत सारी संस्थाएं लगी हुई हैं। अर्थात प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, हेल्थ मिनिस्टर तो लगे हुए हैं, सब लोग लगे हुए हैं। उस तक संकल्प किया, थोड़े दिनों के बाद नाना जी देशमुख इनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं अपना देहदान करना चाहता हूँ, बताओ कहाँ जाऊँ। तो इनको लगा कि देहदान वाले आने शुरू हो गए, तो उन्होंने फिर संस्था बनाई। संस्था बना करके फॉर्म वगैरह छुपवाए और काम शुरू किया। 2012 तक कुल 48 लोगों ने देहदान किया, नेत्रदान किया, कुल 48 लोगों ने। अर्थात 15 साल में 48 लोग, औसत 3 लोगों। हेलो, अब ये देहदान दूसरा होता है देहदान। देहदान कब होता है? जब हम प्रभु जी के पास चले जाते हैं। वो देहदान करने के बाद जो देह होती है वो सिर्फ ये काम करवाते हैं, बात प्राइवेट वाले को, किसी को नहीं। उसके बाद डॉक्टरों की टीम आती है, घर से हाइट ले जाती है, डॉक्टर की टीम आती है, घर से बॉडी ले जाती है और मेडिकल कॉलेज चली जाती है। मेडिकल कॉलेज में परिवार के लोग भी चले जाते हैं। 2012 से लेकर के अब 2019 तक, मतलब कल तक, 250 लोगों की देह हम दान करवा चुके हैं, 900 लोगों की आंखें दान करवा चुके हैं। मेरा उनका कहना है कि समाप्त करें, मेरा बस आप लोगों से इतना आग्रह है, जो हमारा शरीर, जो हमारी आंखें मृत्यु के बाद, संस्कार करने के बाद राख हो जानी है, मिट्टी हो जानी है, इस समाज से हमने बहुत कुछ ग्रहण किया है, समाज ने हमें बहुत दिया है, उस समाज का ऋण उतारने के लिए हमारे पास इससे बड़ा दान नहीं है।
जो मिट्टी हो जानी है, राख हो जानी है, उस राख को मिट्टी से बचाने के लिए, देह को बचाने के लिए हम बच्चों के रिसर्च के लिए, डॉक्टर अच्छा बनेगा, समाज स्वस्थ बनेगा तो देश स्वस्थ बनेगा, देश समृद्ध बनेगा। तो हम लोग अपना अपना संकल्प लें, सोचे मन में, और मन में आता हो तो बाहर एक हमारी कैंप लगा हुआ है, टेबल लगी हुई है, फॉरम भी है और उस पर हम लोग भी बैठे हुए हैं। किसी को कुछ और पूछना हो, कुछ जानना हो तो हम प्रयास करेंगे कि हम बताएंगे। इतना ही मैं पर बहुत सारे कह रहे हैं, पुराना जी का बताइए कि उन्होंने, उनके बेटे ने और उन्होंने स्वयं नेत्रदान किए, नाना जी देशमुख ने किए, अब्दुल कलाम ने किए, ज्योति बसु जी ने किया, देहदान किया, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं परसों गुरुद्वारे में था, मुखर्जी पार्क में, एक सरदार जी ने किया, जसिंदर सिंह जी ने, और वहीं पर 30 लोगों ने और संकल्प किया। मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ, आग्रह करता हूँ हम अपने बारे में सोचें, राष्ट्र के बारे में सोचें, जो मिट्टी हो जम रहे हैं, राख हो जम रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दान देकर जाएं, और इससे बड़ा दान कहीं नहीं है। गुरु गोविंद सिंह हमारे सामने ही है उदाहरण, स्वयं गए, पिता को वारिया, चारों बेटे वार दिए, किस प्रकार से वारे हम सब, अरे हमने समाज से बहुत कुछ भोग किया, 80 साल, 90 साल, 100 साल, तो जाते जाते जो राख होना है उसको तो समाज के लिए दान करके जाए। बस धन्यवाद, कितना मेरा आग्रह है, किसी को कुछ जानकारी लेनी होगी तो हम बाहर हैं। भाई जोरदार तालियां बजा दीजिए, हमारे अंकल जी ने इतनी अच्छी बात बोली कि मिट्टी होने शिवा ने बिगुल बजाए, पार्वती दे बोल अपने शिवा ने शक्ति बजाए, को नाता देखो नाड़ा चल में लिपटे आया, चढ़ गए लिपटे आया, आ जाओ आ जाओ आगे, जिसको नहीं आता ना सिर्फ कूलर में रख जाओ कोई बात नहीं, सब चलता है इसके दरबार में। पार्वती देव भी अग्नि शिवा ने बिगुल बजाया, पार्वती देव भी अग्नि शिवा ने बिगुल बजाया, ओ दादा देखो दादा चल बैल ते आया, चल बैल ते आया, पार्वती देव भी अग्नि शिवा ने बिगुल बजाया, पार्वती देव भी अग्नि शिवा ने शंख बजाया, को दादा देखो दादा वो चढ़ बैल ते आया, चढ़ बैल ते चाहता है।
प्यार साईं जी करके असी कर गए तेरा दीदार साईं जी Thank you.
तुम्हारा कहाँ दूसरा? आया शिरडी गाँव में, आ बैठा एक दीप
तू कर हो जैसे तेरी आदत पै गई है।
बहुत समय रहा है, माँ भी कुछ समय बाद आरती होके विदा लेगी हमसे। जो मेरी माँ के बिना नहीं रह सकते वो दोनों हाथ दिखा करके कहिए, मैं